नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है? एयर को कंडीशन करना। जैसे सपोज हम हमारे रूम में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, उस ऑफिस के इन्वायरमेंट को हमें अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन करना है। जैसे हम बात करें कि सर्दियों में जो है वो बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है और हमें जो ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। वैसे ही जो है वो गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर जो है वो हमारा ज़्यादा होता है, जैसे बात करें 40 डिग्री हो गया, 42 डिग्री हो गया, और हमें कंफर्ट जो है वो 21 डिग्री टेम्परेचर, 22 डिग्री टेम्परेचर पर लगता है। तो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इंटरनल रूम का टेम्परेचर जो है वो हमको कंडीशन करना पड़ता है। टेम्परेचर के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है इज़ यूज्ड बोथ इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे घरों में भी यूज़ आता है और कमर्शियल जैसे इंडस्ट्रियल पर्पज़ है वहाँ पर भी यूज़ आता है। द एयर कूलिंग और एयर कंडीशनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द इनसाइड ऑक्यूपाइड स्पेस। मतलब हमारा जो रूम है उस रूम से हीट को रिमूव करना और मॉइस्चर जो है ऐड करना। ठीक है, ये हमारा जो है वो कंडीशनिंग के अंदर आता है, कंफर्ट कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए। दिस प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज टू अचीव ए मोर कंफर्टेबल इंटीरियर इन्वायरमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। बाहर की कंडीशन हमारी कुछ भी हो उसके इररेस्पेक्टिव में हमें इंटरनल कंडीशन या इंटीरियर इन्वायरमेंट को कंडीशन करना पड़ता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग is a system of controlling the humidity, ventilation and temperature in a building or vehicle, typically to maintain cool atmosphere in warm condition। हम जो है वो building के साथ साथ vehicle की भी बात करते हैं क्योंकि आजकल सारे vehicles जो है वो उसके अंदर air conditioning use होती है। Basically four important factor होते हैं जो हमारी comfort conditioning को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर ऑफ एयर का मतलब है जैसे समर्स के अंदर बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, हमें इनसाइड जो है वो अपना जहाँ पर भी अपने को कंडीशनिंग करनी है, रूम है, ऑफिस है, या जहाँ पर भी अपने को कंडीशनिंग करनी है उसका टेम्परेचर हम बिलो रखते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है वो विंटर्स के अंदर बाहर का टेम्परेचर जो है वो हमारा कम होता है, हम अंदर के टेम्परेचर को जो है वो ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हम समर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जनरली जो है 60 डिग्री के आसपास और विंटर के अंदर मैक्सिमम 40% के आसपास जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी पॉइंट, प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एयर का मतलब है जैसे हमने टेम्परेचर भी कंट्रोल कर लिया, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर दिया, पर हमारी जो है वो एयर जो है वो प्योर नहीं है। एयर के अंदर जो है वो डर्ट, डस्ट या अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम कंफर्ट जो है वो फील नहीं कर पाएंगे। हम हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो अच्छी नहीं होगी, इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ साथ प्योरिटी ऑफ एयर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो मोशन ऑफ एयर। एक मोशन जो है वो एयर का हमेशा इक्वी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एयर जो है वो एयर का मोशन हो, एयर की वेलोसिटी या बहुत कम हो। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा वर्किंग जो है वो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होगा, अगर बहुत कम है तो हमें इनहेल करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये चारों फैक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्फर्ट कंडीशनिंग के लिए। ये हमारा बेसिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सिमेटिक डायग्राम है। हमें पता है कि एयर कंडीशनिंग जो है वो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर वर्किंग करता है, उसी की एप्लीकेशन है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हमारा बेसिकली फोर कंपोनेंट होते हैं। वो जो है वो हमारा कंप्रेसर के बाद कंडेंसर के बाद हमारा एक्सपेंशन डिवाइस के बाद हमारा इवोपरेटर। तो हमारा इसी कंडीशन के ऊपर काम करता है। इवोपरेटर जो है वो हमारा इनसाइड रूम को जहाँ पर कंडीशन करना है
तो वहाँ पर लगाया जाता है, और एक कंडेंसर जो है हमारा जो हीट एग्जॉस्ट हीट है उसको सराउंडिंग के तरफ भेजता है। बाकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इक्विपमेंट यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं, लगाए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा सर्कुलेटिंग फ़ैन। तो सर्कुलेटिंग फ़ैन का मेन फंक्शन है इज़ टू मूव एयर टू एंड फ्रॉम द रूम, रूम के अंदर और रूम के बाहर जो है वो एयर को सर्कुलेट करना, ये हमारा सर्कुलेशन फ़ैन का फंक्शन है। दूसरा है एयर कंडीशनिंग यूनिट। एयर कंडीशनिंग यूनिट का मतलब हमें टेम्परेचर प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल करना है। तो जैसे हम बात करते हैं समर के अंदर हम कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, और विंटर्स के अंदर हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो ये कंबाइंड जो है वो एक हमारी यूनिट हो गई, ठीक है। इट इज़ अ यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस फॉर द समर एयर कंडीशनिंग और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस फॉर द विंटर एयर कंडीशनिंग। सप्लाई डक्ट, इट डायरेक्ट्स द कंडीशन एयर फ्रॉम द रीसर्कुलेटिंग फैन टू द स्पेस टू बी एयर कंडीशन एट द प्रॉपर पॉइंट। यानी जो हमारा सर्कुलेशन फैन है, सर्कुलेटिंग फैन है, उस सर्कुलेटिंग फैन से जहाँ पर हमको एयर जो है वो कंडीशन करनी है वहाँ तक एयर को डायरेक्ट करने वाली जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सप्लाई डक्ट। मतलब हमारे रूम तक जो सप्लाई करती है एयर को वो हो गई हमारी सप्लाई डक्ट। और सप्लाई आउटलेट क्या हो गई, जो हमारे दीज आर द ग्रिल्स विच डिस्ट्रीब्यूट द कंडीशन एयर इवनली इन द रूम। जो हमारा आउटलेट जो है उसको हम बोलते हैं सप्लाई आउटलेट्स। रिटर्न आउटलेट, हमें पता है कि एयर कंडीशनिंग के अंदर कुछ एयर जो है वो हमारी वापस रीसर्कुलेट करके आती है, कुछ हमारी फ्रेश, कुछ परसेंट जो है वो हमारा फ्रेश एयर आती है और रिमेनिंग जो हमारी रीसर्कुलेट होके आती है। तो रिटर्न आउटलेट क्या करता है, उसको एयर को रीसर्कुलेट करने का काम करती है। फिल्टर्स, फिल्टर का मेन फंक्शन है टू फिल्टर द रिमूव डस्ट डर्ट एंड अदर हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द एयर। एयर के अंदर से जो भी हमारा अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट हैं या डर्ट हैं, उसको हटाने का काम करती है फिल्टर्स। एयर कंडीशनर वर्किंग प्रिंसिपल, एयर कंडीशनर वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हमारा रेफ्रिजरेशन पे वर्क करता है। फर्स्ट जो है हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद हमारा कंडेंसर, कंडेंसर के बाद जो है यहाँ पर हमारी एक्सपेंशन डिवाइस जो कि कैपिलरी ट्यूब होती है, और ये हमारा इवोपरेटर। ये डायग्राम जो है वो रूम एयर कंडीशनर, या इसको हम जो है वो विंडो एयर कंडीशनर भी बोलते हैं। अब हमने देखा है कि विंडो के अंदर हमारा एक एसी लगा हुआ होता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारा अंदर की साइड होता है, कुछ पार्ट हमारा बाहर की साइड होता है। अंदर की साइड ये हमारे जो है वो एक वॉल दिखाई दी है, वॉल के इस साइड जो है वो जो है हमारे इनसाइड, और दूसरी साइड राइट साइड के अंदर जो है हमारा आउटसाइड जो है वो शो कर रहा है। इनसाइड के अंदर जो है हमारा इवोपरेटर, इवोपरेटर ब्लोवर फिल्टर, और आउटसाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि कंप्रेसर लगा हुआ होता है, कंप्रेसर के बाद जो है वो हमारा कंडेंसर लगा हुआ होता है यहाँ पर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग समझना। सबसे पहले हम बात करें कंप्रेसर, कंप्रेसर जो है वो हमारे हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर लगा होता है। हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर का मतलब है कि एक यूनिट जिसके अंदर हमारा कंप्रेसर प्लस मोटर दोनों जो है वो इंस्टॉल होते हैं। दोनों एक साथ इसलिए इंस्टॉल करे जाते हैं क्योंकि कंप्रेसर अगर हमारा वर्किंग करेगा तो उसके अंदर नॉइज़ क्रिएट होती है, तो अगर वो सील्ड है एक यूनिट के अंदर तो नॉइज़ जो है वो की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और मोटर जो है वो कंप्रेसर को रन करने के लिए लगाया जाता है। तो जैसे ही जो है वो हमारा हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है वो रन करेगा। कंप्रेसर क्या करता है, हमारा जो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट के अंदर कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ये कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर क्या करते हैं, हमारा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा। डैट मीन्स रेफ्रिजरेंट की हीट अगर हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेफ्रिजरेंट जो है वो की फेज जो है वो चेंज हो जाएगी, वेपर जो है वो लिक्विड प्लस वेपर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडेंसर के बाद यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस के लिए कैपिलरी ट्यूब लगी हुई होती है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक्सपेंशन होता है,
एक्सपेंशन होने के बाद जो भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा इवोपरेटर में चला जाएगा, ठीक है। इवोपरेटर के बाद इवोपरेटर के अंदर कम्प्लीटली इवोपरेशन होगा। कम्प्लीट इवोपरेशन का मतलब जो भी हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कम्प्लीटली जो है वेपर रेफ्रिजरेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से जो है वो वेपर हमारी लो प्रेशर वेपर जो है वो कंप्रेसर में चला जाएगा। इस तरह से ये साइकिल जो है वो पूरी चलती रहती है। और यहाँ पर जो है वो इवोपरेटर ब्लोवर लगा होता है, ये ब्लोवर जो है वो एयर को सक करता है। यहाँ से हॉट एयर कमिंग फ्रॉम द रूम से जो है वो हमारी हॉट एयर भी आ रही है प्लस कंडीशन स्पेस से रिसर्कुलेट एयर भी आती है। तो यहाँ से जो है वो हॉट एयर जो है वो रूम से लेगा और यहाँ पर जो है इसको चलाने के लिए इवोपरेटर ब्लोवर, यहाँ पर एक मोटर लगी हुई होती है। मोटर से इधर जो है वो कंडेंसिंग फ़ैन भी लगा होता है। कंडेंसिंग फ़ैन जो है वो जो भी हमारी हॉट एयर होती है उसको बाहर सराउंडिंग के अंदर भेजता है, सराउंडिंग में भेजने के काम आता है। तो यहाँ से जो भी हमारा इवोपरेट होने के बाद जो भी कूल्ड एयर होगी उसको जो है वो कूल्ड एयर जो है वो रूम के अंदर सप्लाई करेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पर हमारा फिल्टर लगा हुआ होता है। फिल्टर क्या करता है, जो भी हमारी डर्ट है, डस्ट है या अदर इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से हम क्लासिफिकेशन किया हुआ है एयर कंडीशनिंग का। फर्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द पर्पस, कि किस पर्पस से हम एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं। पहला हमारा जो है वो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, दूसरा इसमें है हमारा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू ए सीज़न ऑफ ईयर, मतलब ईयर के कौन से सीज़न के अंदर अपन यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग, दूसरा है हमारा समर एयर कंडीशनिंग, तीसरा है हमारा एयर अराउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और दूसरा जो है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं इनकी। फर्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, इसके अंदर हमने फर्स्ट देखा था कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग का मतलब है हम ह्यूमन के कंफर्ट की बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम द एयर इज ब्रॉट टू द रिक्वायर्ड ड्राइवल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द ह्यूमन हेल्थ कंफर्ट एंड एफिशिएंसी, ताकि हम आसानी से जो है वो हमारी हेल्थ पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे, कंफर्ट कंडीशन दे और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी जो इंक्रीज हो सके। इस हिसाब से हम उतने ड्राइवल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। जो भी हमारे पास सफिशिएंट डाटा है तो उस डेटा से हम रिज्यूम करते हैं कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइवल टेम्परेचर एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हमारे लिए कंफर्ट कंडीशन के अंदर आती है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो हम घरों के अंदर इसका यूज़ करते हैं, ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं, शॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर यूज़ करते हैं, थिएटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल, इस तरह की जो भी जहाँ पर भी पीपल कंफर्ट की बात आती है वहाँ पर इस तरह के एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के अंदर जो भी टेम्परेचर है, ट्राइबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हम कॉन्स्टेंट रखते हैं फॉर द वर्किंग ऑफ मशीन एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमारी मशीन की वर्किंग है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से हम ट्राइबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, पेपर मिल्स के अंदर, मशीन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर, टूल रूम्स के अंदर, फोटोग्राफिक एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं इस तरह के एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू ए सीज़न ऑफ द ईयर। फर्स्ट है हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग। सीज़न मतलब विंटर के अंदर जो है वो किस तरह का एयर कंडीशनिंग हम यूज़ करेंगे। हमें पता है कि विंटर के अंदर हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से हमारी जो है वो आउटसाइड एयर जो भी हमारी सराउंडिंग से आ रही है, सराउंडिंग के बाद जो है वो डैम्पर लगा हुआ होता है। डैम्पर क्या करता है, हमारी आउटसाइड एयर प्लस रीसर्कुलेटिंग एयर जो है उसको अच्छे से मिक्स करती है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर फिल्टर्स के थ्रू जाती है। फिल्टर क्या करता है, हमारे जो भी एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट हैं या डर्ट हैं, उसको रिमूव करती है और आगे जो है फ्रेश एयर को सर्कुलेट करती है। प्री हीटर जो है वो हीटिंग करता है, जो भी हमारा आगे कॉयल के अंदर जो है वो फ्रीजिंग नहीं हो, इसलिए एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर, सर्टेन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर जो है वो हीटिंग करता है। हीटिंग करने के बाद जो है हमारा ह्यूमिडिफायर पे जाता है। ह्यूमिडिफायर क्या करता है, हमारा जो मॉइस्चर जो है वो ऐड करता है। ऐड करने के बाद जो है वो रीहीट कॉयल में जाता है। ये टेम्परेचर प्री हीट के अंदर जो है वो टेम्परेचर हमारा डिज़ायर्ड ड्राइबल टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम होता है। तो कम होने के बाद जितना हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो रीहीट से हमारा अचीव होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर सर्कुलेटिंग फ़ैन में जाता है। सर्कुलेटिंग फ़ैन से हमारा कंडीशन स्पेस में जाता है। कंडीशन स्पेस मतलब जितना जो हमारा रूम है या ऑफिस है या जहाँ पर भी हमें कंडीशनिंग करनी है वहाँ से जाता है, और वहाँ से जो रीसर्कुलेट एयर जो है वो वापस हमारी आ जाती है और कुछ जो है वो एयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये हो गया हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंटर के अंदर हमने हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करा है। नेक्स्ट जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग हमारा समर एयर कंडीशनिंग। समर के अंदर जो है वो हम कूलिंग करते हैं। कूलिंग के साथ साथ जो है वो हम डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आउटसाइड एयर जो है वो हमारी डैम्पर पे जाती है। डैम्पर जो है वो आउटसाइड एयर और रीसर्कुलेट एयर को मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद हमारे फिल्टर में जाता है। फिल्टर जो है वो डस्ट, डर्ट और अदर इम्प्योरिटीज़ हैं उसको यहीं पे रोक देते हैं और फ्रेश एयर को आगे जाने जाता है। कूलिंग कॉयल जो है वो हमारा टेम्परेचर को रिड्यूस करने के काम आता है, और टेम्परेचर जो है रिड्यूस करने के बाद हमारा ये परफोरेट मेम्ब्रेन्स में जाता है। परफोरेट मेम्ब्रेन्स क्या करता है, हमारा जो भी कंडेंसेशन है उस कंडेंसेशन को जो है वो इवोपरेट करता है, और जो भी हमारे जो वाटर पार्टिकल हैं वो वाटर पार्टिकल जो है हमारी सम्प के अंदर कलेक्ट हो जाती है। कलेक्ट होने के बाद हमारा हीटिंग कॉयल का यूज़ करते हैं। हीटिंग कॉयल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमारा बहुत कम हो जाता है। उतना कम टेम्परेचर जो है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है, इसलिए एक बार फिर से जो है वो हम इसकी हीटिंग करते हैं। हीटिंग के बाद जितना भी हमने टेम्परेचर सेट करा है, सपोज 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कूलिंग कॉयल से पहले टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस टेम्परेचर तक अचीव करने के लिए दोबारा हम हीटिंग कॉयल का यूज़ करते हैं। हीटिंग कॉयल के बाद में जो है वो यहाँ पर सर्कुलेटिंग फ़ैन होता है। सर्कुलेटिंग फ़ैन जो है वो एयर को कंडीशन स्पेस जहाँ पर भी हमको जो है वो एयर को ठंडा करना है वहाँ तक पहुँचा देती है। उसके बाद रीसर्कुलेट होके एयर जो है वापस हमारे डैम्पर के थ्रू आ जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस जो है हमारा होता है, और जो भी एग्जॉस्ट हीट होती है वो हमारी एटमोसफेयर में यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ईयर अराउंड एयर कंडीशनिंग। ईयर अराउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मतलब है जिसको हम समर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और विंटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पूरे ईयर के दौरान जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आउटसाइड एयर आएगी हमारी। आउटसाइड एयर के अंदर एयर जो है वो फ्रेश एयर होगी। फ्रेश एयर और ये रीसर्कुलेटिंग एयर को डैम्पर के बाद यहाँ पर मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग के बाद जो है वो जो भी हमारी डस्ट, डर्ट और अदर पार्टिकल है वो फिल्टर हो जाएगी। फिल्टर होने के बाद जो है वो कूलिंग कॉयल, अब इसके अंदर जो है वो हमें पता है कि समर के अंदर जो है वो हमारा कूलिंग कॉयल और डिह्यूमिडिफिकेशन यूज़ करते हैं, और विंटर्स के अंदर हम हीटिंग कॉयल और ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं। तो पहले अगर अपन बात करें समर की, तो समर के अंदर जो है वो कूलिंग कॉयल के थ्रू पास होगा, और कूलिंग कॉयल के बाद में जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कारण कंडेंसेशन होगा, तो ये प्रोसेस जो है वो हमारा समर के अंदर यूज़ आएगा।
जब यही प्रोसेस जो है वो हमारा विंटर के अंदर होगा तो कूलिंग कॉयल जो है वो हमारी इनऑपरेटिव हो जाएगी। इनऑपरेटिव का मतलब कूलिंग कॉयल जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी, एक ऐसा जो है वो सिस्टम क्रिएट करते हैं कि जिससे ये कट ऑफ हो जाती है, इनऑपरेटिव हो जाती है, तो समर के अंदर जो है वो कूलिंग कॉयल काम में नहीं आएगी, उसमें डायरेक्ट जो है वो ह्यूमिडिफाई होगा, ह्यूमिडिफाई होने के बाद हीटिंग होगी। तो जो भी हमारा सीजन होगा ईयर के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से हमारे जो है वो कॉयल जो है वो वर्क करेगी। उसके बाद सर्कुलेटिंग फैन के अंदर जाएगा, सर्कुलेटिंग फैन जो है वो एयर को कंडीशन स्पेस के अंदर ले जाएगा। कंडीशन स्पेस के अंदर जो है वो जहाँ पे भी हमको एयर का टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है वो वाली जगह, और यहाँ से कुछ एयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी जो कि हॉट एयर होगी, और रिमेनिंग जो है वो रिसर्कुलेट होती रहेगी। इस तरह से ये प्रोसेस जो है हमारा चलेगा। थर्ड जो है वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, हम किस तरह से सिस्टम को जो है वो अरेंज करते हैं। फर्स्ट जो है वो यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम द असेंबल्ड एयर कंडीशनर इज इंस्टॉल इन और एडजेंस टू द स्पेस टू बी कंडीशन, मतलब वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कंडीशन स्पेस के एडजेंस्ट हो। नेक्स्ट जो है वे ए लार्ज हाउस और ए बिल्डिंग में हैव सेवरल सच यूनिट परमिटिंग ईच रूम टू बी कूल्ड, जहाँ पर जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग है या बड़ा घर है जहाँ पर हमको जो है वो सारे रूम के अंदर कंडीशनिंग करनी हो तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। द यूनिटरी एयर कंडीशन सिस्टम आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप, विंडो हो सकता है या वर्टिकल पैक्ड यूनिट हो सकता है, उसको हम पीटेक सिस्टम भी बोलते हैं, वर्टिकल पैक्ड यूनिट और पीटेक सिस्टम। फर्स्ट जो है वो विंडो यूनिट, दिस टाइप ऑफ कंडीशनर हैव ए स्मॉल कैपेसिटी, जो विंडो है वो हमारा स्मॉल कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है, जनरली 1 TR और 3 TR, 2-3 TR तक जो है वो यूज़ करते हैं, एंड आर मैंशन थ्रू ए विंडो और वॉल, ठीक है। देर आर एम्प्लॉय टू कंडीशन द एयर ऑफ वन रूम ओनली, विंडो के अंदर जो है वो एक रूम की कंडीशनिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। इफ़ द रूम इज़ बिगर साइज देन टू और मोर यूनिट आर यूज, अगर हमारा रूम की साइज़ जो है वो बड़ी है तो हम दो या उससे ज़्यादा यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। और वर्टिकल पैक यूनिट जो है वो हमारी वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जैसे 5 से 20 TR, TR यानी टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, एंड आर एडजेंस टू द स्पेस ऑफ कंडीशन। दिस यूनिट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंडीशनिंग द एयर ऑफ द रेस्टोरेंट, बैंक और स्मॉल ऑफिस। पीटेक सिस्टम आर आल्सो नोन एज वॉल स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम और डक्टलेस सिस्टम, इसको हम स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम या डक्टलेस सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इट यूजेस व्हेन द रिक्वायर्ड कूलिंग कैपेसिटी 25 TR या इससे ज़्यादा हो। इट इज़ यूज व्हेन द एयर फ्लो इज मोर देन 300 m³/min और डिफरेंट जोन इन ए बिल्डिंग आर टू बी एयर कंडीशनर। सेंट्रल के अंदर हमने देखा होगा कि एक जगह जो है वो सेंट्रल एयर कंडीशनर लगा दिया जाता है और उससे जो है वो एयर जो है वो कंडीशन एयर जो है वो डिफरेंट रूम के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजी जाती है। इसकी कैपेसिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है, विंडो वाले की कम होती है। और जहाँ पर सेंटर, कई बार हमने देखा होगा कि मॉल्स के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो हमें डक्टिंग दिखाई देती है, लेकिन एसी जहाँ पर जो है वो कूलिंग सिस्टम हो रहा है वहाँ हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारा एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। अप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है एयर कंडीशनिंग की, एयर कंडीशनर इज़ कॉमनली यूज फॉर द कुकिंग एंड प्रोसेसिंग एरिया, हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल ऑपरेटिंग थिएटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड कंफर्ट कंडीशन टू पेशेंट, टेक्सटाइल के अंदर यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग, फोटोग्राफिंग एंड मच मोर एप्लीकेशन हो सकती है। द एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ एज अ कमर्शियल पर्पज़ के अंदर,
जैसे थिएटर हो गया हमारा, डिपार्टमेंट स्टोर रूम हो गया, इस तरह से ट्रांसपोर्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कार के अंदर यूज़ करते हैं, ट्रेन्स के अंदर यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट शिप्स के अंदर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ इन टेलीविज़न सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स, म्यूजियम फॉर द स्पेशल पर्पज़। ओके, थैंक यू।